मैं ये बोल रहा था कि अभी लड़का लोग का ट्रेनिंग दे रहा है यार, अभी दो तीन दूसरा से मेरा भी मैसेज आ रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको भी। ये हो जाएगा सर, उनके लिए सोचा हुआ हूँ, हमारे पास अभी हैदराबाद रिक्रूटमेंट। हाँ, हैदराबाद का मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वायर हो रहा है, एमएनसी कंपनी का भी, एमएनसी कंपनी का रिफंड हो जाएगा ना। चलो ठीक है, और एक साल से पहले छोड़ेंगे तो रिफंड नहीं होगा। अच्छा, सहूलियत नहीं चाहिए, काम करिए। गुलशन, आज इस गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए रेडी अप। जय सर। अभी गुलशन आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग के बारे में, फायर क्या है, आग क्या है, उसके बारे में बताएगा। इसको ध्यान से सुनना है। जय सर। फायर एक्सटिंग्विशर चार प्रकार के होते हैं। फायर का मतलब है आग। आग कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। जैसे साधारण सिंपल फायर, जैसे सिंपल फायर ऑयल मटेरियल। जैसे आग, वैसे तो एक्चुअली सर आग पांच प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी के। जैसे सॉलिड फायर, लकड़ी, कोयला, जिसको दबाया ना जा सके। उसके बाद टाइप का फायर, ईंधन, किरोसिन तेल, पार्किंग तेल, कोई भी पेंट ऑयल वगैरह। और एक इलेक्ट्रिक फायर जो हम लोग जानते हैं, मतलब तीन ही वैसे काम करते हैं, और एलपीजी गैस अलग फायर। चलो ओके, गुड। फायर का मतलब फुल फॉर्म होता है फायर का फुल फॉर्म होता है FIRE। एफ का मतलब होता है फाउंड, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू, एक्सटिंग्विशिंग। मतलब इसका हुआ फायर के बारे में सूचना प्राप्त करना और रेस्क्यू करना। नेक्स्ट गुलशन जाएगा, नेक्स्ट आएगा। जय सर। अब नेक्स्ट मिस्टर पर्नेरा, रेडी अप। जय सर। आपको एक मिनट का समय है, एक मिनट में आपको बताना है फिर नेक्स्ट आएगा। कंपोजिशन मतलब आग, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीनों का कंपोजिशन जब मिलता है तो आग बनता है। तो आग को हम लोग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। मतलब आग का प्रकार होता है एक्चुअल में चार, गलत किया, पाँचों जब बीबी सर आया था, बीबी सर ने बताया तो पाँचों नहीं होता है। हम लोग इसमें हम लोगों का चार होता है। एक होता है सॉलिड फायर, सॉलिड मतलब हम लोगों का कंपनी का अंदर में होता है गद्दा जो भी है, जो मेटेरियल जो ठोस, वो लिक्विड मतलब होता है तरल, जो हम लोगों के पास होता है कैरोसिन, डीजल। बोल लिया बाद में बोलो, रिकॉर्डिंग में वॉइस अच्छा आएगा। ये और होता है गैसेस, मतलब गैसेस फायर पे साथ में होता है फायर, लाइक इलेक्ट्रिक फायर। चलो गुड पढ़ने, वेरी गुड, योर टाइम इज आउट, यू गो बैक। थैंक यू सर। यस सर।
नेक्स्ट मिस्टर हिरेंद्र नयन। जय सर। फायर एस2 सर चार टाइप का होता है, ABCD। ए मतलब सॉलिड, डी मतलब ऑयल लिक्विड, सी इलेक्ट्रिक या गैस, डी होता है मेटल। तो हमारे ये को तो डी का इस्तेमाल नहीं होता है, ABC का ही यूज होता है क्योंकि मेटल नहीं है हमारा ये पर। ओके गुड। जैन सर। जैन सर। नेक्स्ट मिस्टर बी ब्लॉक रेडी अप। सर टॉपिक था फायर किसको बोलते हैं, तो सभी ने बताया फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आग किसको बोलते हैं इसका हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो आग हम इसको बोलते हैं हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन मिला के जो बनता है, जिसका विस्फोरक होता है उसको हम आग बोलेंगे, ठीक है। आग होता है 5 प्रकार का, इधर 3 प्रकार का चलता है। 5 प्रकार का मतलब ए फायर मतलब सॉलिड, बी मतलब लिक्विड, सी मतलब गैसियो, डी मतलब मेटल फायर, के मतलब किचन फायर। तो वो बुझाने वाला बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए हर तरीके का आग बुझाने के लिए हर तरीके सिलेंडर यूज करना पड़ता है। ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 है, BC है, AB है, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक था फायर किसको बोलते हैं। फायर के बारे में हमने बोल दिया, हीट फ्यूल ऑक्सीजन मिला के जो। ओके योर टाइम इज आउट, नेक्स्ट। थैंक सर। मिस्टर सौरभ दत्ता रेडी अप। जैन सर। टाइम शॉर्ट है, जल्दी से जल्दी आप इसको बोल के कहानी खत्म करिए। बोलिए चुपचाप आराम से, कुछ बोल दीजिए। आग है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है ना, घूम जाइए उधर के बारे में। ये अपना है, आपको नहीं मालूम है, ये लोग क्या बताएं। इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसकी आग का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। केमिकल का है, आग फैक्ट्री है, यहाँ पर फ्यूल है, सब कुछ भी है, ठीक है। आग लगने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए फायर सेफ्टी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी धीरे धीरे वहाँ समझिएगा और फिर इसको फिर अपने आप में बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके, गो बैक। नेक्स्ट रफीकुल रेडी अप। जय सर।
जैन सर। आगुन होच्छे ऑक्सीजन हीट और फ्यूल तीनटा जिनिस मिले हय आगुनेर उत्पत्ति। एटा होच्छे ABCD। एटा ABCD जे कोनो आगुनेर क्षेत्रे आमरा ऑलराउंडर एटा व्यवहार करते पारि। एटा चालानोर पद्धति होच्छे प्रथमे तीनटा खुलते लागबे, नोजलटा बार करते लागबे আর আগুনের দিকে পাইপটা ধরে বেস করতে লাগবে, তারপর হ্যান্ডেলটা ঠিক করে আগুন হচ্ছে চাপ পড়বে, সলিড রিপিট গ্যাস নিচে কাজ করবে। ওকে গুড স্যার। Next! Fire extinguisher training ke liye! Ready! Yup! Joyce!